टूल चाहे कोई भी हो, वो चाहे SEO का हो चाहे ASO का हो, वो डिपेंड करता है या रिलाई करता है उन मेजर सर्च इंजन्स के ऊपर कि वो अपनी APIs कैसे अलाउ करते हैं और किस तरह से कितना डेटा वो अलाउ करते हैं टूल्स को, ताकि ये टूल्स उसके ऊपर बिल्ड कर सकें और अपने फीचर्स आपको एनहेंस करके एक प्रोडक्ट बना के आपको सेल कर सकें। SEO के ऊपर काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप रैंक ट्रैकिंग कर लेते हैं, जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं। गूगल के अलावा भी बहुत सारे टूल्स आपको प्राइवेट मिल जाते हैं, लेकिन ASO में अभी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि रीज़न मेरे ख्याल से कुछ ये भी है कि वो प्लेटफॉर्म्स जो ज़्यादा ओपन नहीं है। एंड्रॉयड के ऊपर फिर ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन iOS बहुत ज़्यादा क्लोज प्लेटफॉर्म है। लेकिन फिर भी इन सब रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कुछ टूल्स बहुत अच्छे हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए और बहुत बेहतर टूल्स हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐप एनी यूज़ करें। अगर आपकी अपनी अपना स्टोर है जिसको आपके पास डेवलपमेंट अकाउंट की एक्सेस है, तो आप डेवलपमेंट अकाउंट जो है अपना ऐप एनी के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐप एनी बेसिकली आपकी ऐप्स का डेटा आपको फ्री देता है, लेकिन अगर आपने किसी और की ऐप का डेटा लेना है तो वो आपसे पैसे लेता है। तो इस तरह से वो पैसे बनाते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है, लेकिन इसका डेटा सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपने कोई नई गेम लॉन्च करनी है किसी नई कैटेगरी में, आपने देखना है कि सर्टन कैटेगरी सर्टन कंट्री में क्या डाउनलोड्स हैं उसके, उस चीज़ के लिए उस डेटा के लिए ऐप एनी आपसे पैसे चार्ज करेगा। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि मेरी ऐप कहाँ कहाँ रैंक कर रही है, उसकी रैंक किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, कहाँ ऊपर जा रही है, डेली के इंस्टॉल किया है, वो ग्राफ जनरेट कैसे होंगे, वहाँ तक ये फ्री वर्जन में दिखा देता है आपको। और आप यकीनन इसको मतलब इसको लाजमी आप इंटीग्रेट करें और इसके डेटा से आप इस्तफादा हासिल करें कि किस तरह से वो डेटा को आप मैनिपुलेट करके या उसके ऊपर बिल्ड करके डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा ये कीवर्ड ऊपर जा रहा है तो हमें ये कीवर्ड ज़्यादा दफ़ा लिख लेना चाहिए, लोग ये सर्च कर रहे हैं, या हमारे अगेंस्ट ही कंपेटिटर्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं। सो ऐप एनी एक मेजर टूल है जिसमें ऐप इंटेलिजेंस बेसिकली मेजर फोकस है। इसमें आपको रैंकिंग भी मिल जाती है, आपको बाकी सारी चीज़ें, एक ऐप के बारे में आपको जो कुछ चाहिए जानना चाहिए वो सब आपको यहाँ मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे टूल्स भी हैं जो थोड़े सस्ते भी हैं, लेकिन उनमें कुछ फीचर्स भी लिमिटेड हैं। उनमें से एक है स्प्लिट मैट्रिक्स। स्प्लिट मैट्रिक्स बेसिकली आपकी ए बी टेस्टिंग करता है। अगर आप इंस्टॉलेशन करें तो आप इसमें ए बी टेस्टिंग रन कर सकते हैं। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपने जैसे मैंने पहले बताया कि एंड्रॉयड के अंदर टेस्ट रन कर सकते हैं, स्प्लिट मैट्रिक्स के अंदर भी आप टेस्ट रन कर सकते हैं कि आपने दो वर्जन दिखाए हैं, लोगों को क्या पसंद आया। वो आपको जिस तरह से यहाँ स्टैट्स नज़र आ रहे हैं वो आपको स्टैट्स दिखाएगा, देखें कि इसका फ्री वर्जन में कितने फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आपने क्लाइंट यूज़ नहीं कर रहा या आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, तो वो आपका टोटल आपका डिसीजन होगा। फिर एक कीवर्ड रैंकिंग और ट्रैकिंग, अगर आपको पूरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रैंकिंग और ट्रैकिंग चाहिए, तो मोबाइल एक्शन एक नया एक टूल है जो काफ़ी रिकमेंडेड टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए मोबाइल स्टोर्स के ऊपर। तो आप इसके ऊपर जाकर देख सकते हैं कि लोग एक्चुअली क्या सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर अपने कीवर्ड्स की भी रैंक ट्रैकिंग या उसके कीवर्ड भी देख सकते हैं कि वो उसमें आप कहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो एक और टूल है, इसको आप यूज़ करें। उसके अलावा एक ऐपबॉट है जिसमें आप रिव्यूज़ के बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस करता है कि आपका यूज़र रिव्यू जब आपको छोड़ता है तो वो रिव्यू में पॉजिटिव रिव्यू है नेगेटिव रिव्यू है, सेंटीमेंट क्या था, वो आपको अच्छा फीडबैक दे रहा है, वो आपको बुरा फीडबैक दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इसके थ्रू। लेकिन ये अगेन आपको इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। ये कुछ रिकमेंडेड टूल्स है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग यूज़ करें। इनके फ्री वर्जन आप देखें कि आपको उनमें क्या क्या सूट करता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप यकीनन उसको पे करना चाहेंगे। अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि SEO में भी और ASO में भी और जो भी आप काम कर रहे हैं, पे टूल्स आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान करते हैं। अगर आप पैसे इतने बना रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कॉस्ट की, तो मेरा ख्याल में $100-200 लगाना कि उसी प्रोडक्ट पे जो आपको पैसे बना के दे रही है उसमें कोई बुराई नहीं है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी एक्चुअली फोकस जो है लेबर वर्क से निकल के आप एक्चुअली स्ट्रैटेजी में चले जाएंगे, उसके ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। वो काम आप जो लेबर वर्क है जो आप रोज़ मैन्युअली करते हैं वो टूल के हवाले कर देंगे, टूल ऑटोमेटिकली आपको ग्राफ जनरेट करके देगा, ताकि आपकी मैन पावर जो है वो ऐसी जगह पर लगे जहाँ टूल आपको हेल्प नहीं कर सकते। वो है आपकी स्ट्रैटेजी, वो है आपकी ग्रोथ। आपने मार्केटिंग कैसे ग्रो करनी है, ऐप स्टोर ASO कैसे ग्रो करना है, कंटेंट कैसे लिखना है, वो आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन ये टूल्स आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे उन चीज़ों में जो आप वैसे भी शायद कर सकते थे, लेकिन टूल्स आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं, ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, और आपको वो काम जितना जिस काम में आपको 6 घंटे लग रहे थे वो काम आपका 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ टूल पर रिलाई करें, आपकी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग से आएगी, जिसके ऊपर मैंने पूरे कोर्स में फोकस किया है। और अगर आप ASO कर रहे हैं तो ASO में भी आपकी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। टूल्स आपको जस्ट हेल्प करने के लिए होते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिप्लेसमेंट है टूल। टूल आप ने चलाना है और आपने जैसे चलाना है वो आपके ऊपर है। टूल आपको जो है वो लेग वर्क करके देगा, बाकी चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है।